मैं आज आपके सामने पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसे हिंदी में दत्तक ग्रहण अधिनियम भी कहते हैं, 1956 के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, कौन व्यक्ति गोद ले सकता है, उसके लिए क्या आवश्यक अर्हताएं हैं, कौन गोद लिया जा सकता है, कैसे ये प्रक्रिया संपन्न होगी, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ। क्या क्या इसके बारे में वैधानिक प्रावधान है हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 में, यह व्यवस्था दी गई है कि इस प्रक्रिया में एक तो गिविंग एंड टेकन होना आवश्यक है, दूसरे हिंदू सेरेमनी मैंडेटरी नहीं रखी गई है। जब बच्चा एडॉप्ट किया गया और नई फैमिली में वो जाता है तो उसके रिलेशन उस फैमिली से बन जाते हैं। हिंदू लॉ में बच्चे को कैसे गोद लिया जा सकता है, इसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है। सेक्शन 5 से 7 हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में इस बारे में लीगल प्रोविजंस बताए गए हैं, जिनमें यह है कि बच्चा, एक तो उसकी आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए, दूसरे जो पार्टी उसको एडॉप्ट कर रही है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए, इसी प्रकार जो पार्टी उसको बच्चे को गोद दे रही है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए बच्चा देने के लिए, तीसरा है बच्चा वो एलिजिबल होना चाहिए गोद जाने के लिए, चौथा इस एक्ट की सारी कंडीशनों को उसको फुलफिल करना चाहिए यानी पूर्ण करना चाहिए, तभी वह वैधानिक रूप से गोद जाने के लिए योग्य माना जाएगा। सेक्शन 11 में इस संबंध में प्रोविजन है, वो जो व्यक्ति गोद ले रहा है वो एक तो माइनर नहीं होना चाहिए, अर्थात अवयस्क ना हो, और दूसरा 18 वर्ष से कम उसकी आयु नहीं होनी चाहिए, दूसरा वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, विकृत चित्त वगैरह का नहीं होना चाहिए, अर्थात सक्षम स्थिति में होना चाहिए, मानसिक फिजिकल एज वेल एज मेंटल कंडीशन। पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2010 में ये बताया गया है कि वाइफ से अगर हस्बैंड थे तो उसको गोद लेने के पहले परमिशन लेना आवश्यक है, यदि एक से ज्यादा वाइफ्स हैं किसी की तो उन सभी वाइफ से परमिशन लेना आवश्यक है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पहले जिन व्यक्तियों की मैरिज हुई है और उनकी कई वाइफ हैं, वैसे तो इस बात को लगभग 65 वर्ष व्यतीत हो गए हैं तो अब कोई खास मायने इसके नहीं रखती है, लेकिन ऐसा इन्होंने इसलिए रखा है प्रावधान कि कोई व्यक्ति अधिक आयु में वृद्धावस्था में यदि किसी व्यक्ति को बच्चे को गोद आदि लेता है तो उसमें उसको सभी अपनी पत्नियों की अनुमति लेने का प्रावधान रखा गया है। अच्छा, हिंदू से संबंधित ये अधिनियम है तो इसके अंतर्गत जैन, सिख, हिंदू, आर्य ये सब गोद ले सकते हैं, इसके अंदर पारसी और मुस्लिम इस अधिनियम के अंतर्गत गोद लेने के अधिकारी नहीं होते हैं। मेल है तो वाइफ की कंसेंट चाहिए और फीमेल है तो उसके हस्बैंड की कंसेंट लेना जरूरी है। दोनों को अब इक्वल राइट दिए गए हैं और चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। दूसरे इसके अंदर ये कहा गया है कि पत्नी की कंसेंट राइटिंग में ले ली जाए तो ज्यादा अच्छा है, या वो फिजिकली प्रेजेंस भी है तो एडॉप्शन के समय पॉजिटिव अफर्मेटिव कंसेंट उसकी आना चाहिए। एक जो केस लॉ हुआ था घासीलाल वर्सेस धाकूबाई केस, उसमें इस सेरेमनी के अंतर्गत ये न्याय दृष्टांत में ये व्यवस्था दी गई है कि उसकी जो कंसेंट है वो एडॉप्शन के समय पॉजिटिव और अफर्मेटिव होना आवश्यक है। एडॉप्शन में जो भी बच्चा लिया जा रहा है वो 15 साल से छोटा होना चाहिए, फादर और मदर दोनों की कंसेंट होना चाहिए दोनों ओर से, मतलब गिव एंड टेक जो कार्यक्रम होता है, बच्चे का दिया जाना और दूसरे के द्वारा उस बच्चे को ग्रहण किया जाना। अच्छा, दूसरे गार्जियन जो है वो स्वयं भी अगर परमिशन ऑफ द कोर्ट के अनुसार है तो भी, या वो गार्जियन भी, नेचुरल गार्जियन भी उसको, अगर उसके माँ बाप नहीं है तो वो भी ले सकता है, गार्जियन स्वयं को भी दे सकता है। लड़का लड़की को हिंदू होना चाहिए, शादीशुदा ना हो, दूसरा 15 वर्ष से छोटा हो, एक ही बार ये एडॉप्शन हो सकता है। कस्टम या यूजेस के अंतर्गत अगर 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे का भी कोई एडॉप्शन होता है तो वो किया जा सकता है। बेटा एडॉप्ट नहीं किया जा सकता अगर उसके पहले से कोई बेटा है या बेटी है तो भी, वो पहले से बेटी है तो वो बेटी को एडॉप्ट नहीं कर सकता है। इसी प्रकार बेटे को, बेटे का बेटा, पोता आदि नहीं ले सकता है। लड़के और अगर लिया जाता है तो महिला के द्वारा लिया जाता है तो 21 वर्ष की उसकी आयु में डिफरेंस होना चाहिए। इसी प्रकार यदि पुरुष द्वारा लिया जाता है तो उस लड़की की आयु और पुरुष की आयु में जो दत्तक ग्रहण कर रहा है 21 वर्ष का डिफरेंस होना चाहिए। ये डिफरेंस इसलिए रखा गया है कि कोई अनैतिक कृत्य आदि ना हो। दो सिंगल आदमी किसी भी बच्चे को एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं,
एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग का एक्शन होना चाहिए। एक सेरेमनी होती है जिसको दत्ता होमम कहते हैं, जिसमें घी आदि से कोई क्रियाएं कराई जाती हैं दत्तक ग्रहण के समय। इस सेरेमनी को कोई मैंडेटरी नहीं माना गया है, मतलब ये सेरेमनी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जब बच्चा एडॉप्ट हो जाता है तो वो नई किसी भी फैमिली का मेंबर बन जाता है और उसके नए रिश्ते बन जाएंगे। पुराने जो उसके रिश्ते थे उसमें सपिंडा तथा प्रोहिबिटेड डिग्रीज में वो शादी आदि नहीं कर सकता, अर्थात ब्लड रिलेशन में वो बच्चा मैरिज नहीं कर सकता है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बतलाता हूँ कि एक अगर मर्द लड़की को एडॉप्ट करता है तो उसकी आयु उस लड़की से कम 21 वर्ष का डिफरेंस होना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई लड़की या लेडी एडॉप्ट करती है तो उस लड़के और उसकी आयु में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। बच्चे को माता पिता गार्जियन हैं, सहमति होना उनकी जरूरी है। दूसरा इसमें बच्चे का वेलफेयर कोर्ट भी ये देखेगा, सिटी सिविल कोर्ट आदि में कोई यदि आवेदन लगाया जाता है तो वो बच्चे की भी राय के लिए बच्चे को बुला सकता है कि वो वास्तव में जो एडॉप्ट उसे कर रहे हैं वो उनके यहाँ जाना चाहता है या नहीं। केवल इस बारे में बच्चे की जानकारी बच्चे से ले सकती है कोर्ट, बाकी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि वो क्या उसके अंदर निर्णय लेता है। ओपन एक तो एडॉप्शन होता है जिसे खुला दत्तक ग्रहण कहते हैं, एक क्लोज टाइप का भी एडॉप्शन होता है जो बंद दत्तक ग्रहण कहलाता है। कुछ देशों में ऐसी भी प्रथा है जिसमें मेडिकल आदि रिकॉर्ड चेकअप किया जाता है। अंतर परिवार दत्तक ग्रहण, आपसी संबंध जिन परिवारों के रहते हैं और उनके किसी बच्चे को यदि उनके द्वारा दत्तक या एडॉप्शन में लिया जाता है तो ये रिश्तेदारों के बच्चों को भी दत्तक ग्रहण, उसको बोलते हैं अंतर परिवार दत्तक ग्रहण। एक देशज दत्तक ग्रहण है दूसरे देशों से एक दूसरे के, जिसे इंटरनेशनल एडॉप्शन भी बोलते हैं। एक देश से दूसरे देश के बच्चों को भी लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। बच्चे की जानकारी हेतु कई तरह की एजेंसियां दिल्ली आदि में बनाई गई, जैसे ACA या CARA आदि कहते हैं। इनमें सारी जानकारी पता लग जाती है। काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है, वेटिंग पीरियड रहता है, भावी माता पिता उसमें पूरी जानकारी लेते हैं। एजेंसी का वकील रहता है जो किशोर बोर्ड या न्याय बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देता है जिसमें प्रतिनिधि आदि रहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में दिशा निर्देश अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कानून कुल मिलाकर गोद लेने का एक ही है। गोद लेने के लिए माता पिता की जो संयुक्त आयु रखी गई है वो 90 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्पेशल नीड की स्थिति में 55 साल उन्होंने निर्धारित की गई है और उसके अलावा कुंवारा व्यक्ति 30 से 45 वर्ष के बीच की आयु होने पर बच्चे को गोद ले सकता है। इसमें कम से कम जो न्यूनतम जो आय रखी गई है वो 3,000 रुपये प्रतिमाह रखी गई है। उसकी पारिवारिक स्थिति आदि देखी जाएगी। तलाकशुदा यदि कोई पत्नी या औरत है और वो भी बच्चे को शादी किए बिना भी अगर कोई महिला है तो वो भी बच्चे को गोद ले सकती है। बच्चा गोद लेने वाले अभिभावक बच्चे का चाहे तो मेडिकल परीक्षण, उनको अगर ये संभावना लगती है कि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है नहीं है तो वो कोर्ट की अनुमति से या उस बोर्ड की अनुमति से उसका मेडिकल परीक्षण भी करा सकते हैं। दूसरे धर्म के लोग भी गार्जियन और वार्ड सेक्ट के अंतर्गत बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। इस 1956 के हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के कानून में ये व्यवस्था जरूर दी गई है कि वो जो गोद ले रहा है वो बालिग होना चाहिए, तंदुरुस्त मानसिक उसकी स्थिति हो, साउंड माइंड हो, 21 वर्ष का उस बच्चे से उसका अंतर हो। यदि बेटा या पोता है तो लड़का वो गोद नहीं ले सकता है, बेटी या पोती है तो भी वो गोद नहीं ले सकता है। 15 वर्ष से बच्चे की गोद लेने वाले बच्चे की आयु कम नहीं होनी चाहिए, बच्चा शादीशुदा ना हो। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी कोई कस्टम है वहां रूढ़ी ऐसी चली आ रही है तो उसका अपवाद के रूप में वो फायदा उठा सकते हैं और उनके यहाँ कोई कस्टम इस तरह का है। इस प्रकार मैंने एक सामान्य भाषा या साधारण भाषा में आपको बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया बतलाई है। आशा करता हूँ कि ये इस अधिनियम के तहत बतलाई गई प्रक्रिया के अंतर्गत जिन लोगों को हिंदू है और एडॉप्शन की सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं, वे चाहें तो किसी भी बच्चे को यदि उनके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है या ऐसी स्थिति है कि वो किसी बच्चे को लेना चाहते हैं तो गोद लेने की प्रक्रिया इस कानून के अंतर्गत एडॉप्ट करते हुए बच्चे को गोद ले सकते हैं। मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से विभिन्न कानूनी विषयों पर आपको समय समय पर अलग अलग कानून बदला रहा हूँ। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।